जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम आपको हमेशा निःशुल्क ज्योतिष परामर्श के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियो और ज्योतिष के बारे में वो सभी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा उपलब्ध होती है। तो उसी कड़ी में हम आज बात करने वाले हैं आपके लिए एक मंत्र। यह बहुत खास मंत्र है जिससे बड़े बड़े काम आपके सिद्ध हो जाएंगे, बड़ी बड़ी परेशानियां हल हो जाएगी। तो उन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, आपके जो भी इष्ट देव हों, आप उनका जप करेंगे। पहली और मुख्य बात मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, आप बाबा भोलेनाथ को मानते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। आप श्री राम जी को मानते हैं तो उनका जाप करिएगा। मतलब आप जिन भी देवी देवताओं को दिल से मानते हैं, जिनकी जिनके आप उपासना करते हैं, आप उन के जप का स्मरण करें। जैसे गणपति को मानते हैं, ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इन चीज़ों को, इन मंत्रों को आप कंटिन्यू जाप करते रहेंगे। आप इनका फ़ायदा आपको धीरे 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 धीरे, जैसे ही आप इनका जाप करते रहेंगे, आपको धीरे धीरे इनका फ़ायदा मिलता रहेगा और आप खुद एक नया अनुभव, स्वयं एक नया अनुभव पाएंगे, कि एक नया अनुभव जो आप जीवन में हमेशा महसूस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जो मंत्र जाप है वो उसमें कंटिन्यूटी होना जरूरी है, मतलब वो सतत चलते रहना जरूरी है। कई सारे लोग करते हैं कि ले लिया और फिर छोड़ दिया, इस तरह नहीं, आपको कंटिन्यू जब तो करना ही होगा। जब तक आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बड़ा फायदा मिलेगा। तो मैं बस यही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप उसमें स्थायित्वता, कंटिन्यू उस जाप को करते रहें, खाते उठते बैठते सोते बस उसे जाप करते रहें। आप अगर 15 दिन 20 दिन तक भी ये टाइम पीरियड आपका होगा ना, तो दोस्तों आप एक अलग अनुभव उपयोग अनु अलग अनुभव होगा, आप में आस्था का संचार होगा। आप दोस्तों, आप इन छोटी छोटी बातों को जिन बातों इन छोटी छोटी बातों को महत्व प्रदान करें, और इन छोटी छोटी बातों से ही आप जब जाप करते रहेंगे तो आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। और जाप में एक बात होती है दोस्तों, कई बार आपको परेशानी अड़चने आएगी, आपको जाप लेने में कई सारी परेशानियाँ, इस तरह से रखेगा मन नहीं लगेगा, कोई काम आ जाएगा, और कई सारी तकलीफें मैंने आमतौर पर लोगों से सुनी है कि इस तरह की घटनाएं हमारे साथ हुई है। पर आप इन चीज़ों से ऊपर उठना और अपने जाप पर कंटिन्यू ध्यान देना, क्योंकि ईश्वर का नाम ही सत्य है। ईश्वर में अगर आप आस्था रखते हैं, ईश्वर में उम्मीद लगा के बैठते हैं, तो ईश्वर कभी भी किसी को निराश नहीं करता है। इसलिए हमेशा चाहे जो भी हो, पल अच्छे हो बुरे हो, आप ईश्वर का स्मरण करते रहें। और ये एक मंत्र है दोस्तों, आप महामृत्युंजय का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, आपके जो भी इष्ट देवता है उनका जाप आप कंटिन्यू करें। आप केवल मंदिर जाते हैं, अपने दिमाग को और कहीं दौड़ाते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। जाप करेंगे, मन शांत होगा, मन में एकाग्रता आएगी। तीसरी बात, एकाग्रता होने के साथ आप जो सोचेंगे वो काम आपके बनने लग जाएंगे। चौथी बात हुई, आप सकारात्मक हो जाएंगे और कई सारे अनुभव आप महसूस करेंगे, जो मैंने महसूस किए मैंने बता दिया, लेकिन आप भी कुछ नया अनुभव महसूस करेंगे, वो आपके लिए एक अलग होगा। आप दुनिया में अद्भुत, अलग, अलौकिक, सरल, सहज और बहुत से गुण आप में समाहित होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। वीडियो कैसा लगा? जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।